ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Lord, khudavan di taarif, Lord Jesus. Tera dhanwad, khudavan, Lord. Khudavan di dhanwad, Lord Jesus. Khudavan har bitte hoye samay vaste, khudavan tu sanu sambhal ke rakhya, Lord Jesus. Khudavan di dhanwad, Lord Jesus. De samay vaste, khudavan, Lord Jesus. Tu sanu apni hazuri ch lai ke aanda, khudavan, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Khudavan Lord. Khudavan Lord, assi apne aap nu Khudavan de lahu de naal Khudavan dho ke paak karde haan, pavitr karde haan, Lord Jesus, teri hazuri ch apne aap nu leke aunde haan, Khudavan Lord. Khudavan tu sada zinda Khuda, Khudavan tu har vakt mehma te badhyai de jo, Khudavan Lord Jesus, hallelujah. Oh Lord Jesus, Khudavan sadi zuban to hamesha Khudavan de naam nu mehma te jalal milda rahe, Lord Jesus, hallelujah. Khudavan assi apni zindagi ch har ik Khudavan जो भी काम करिए खुदावन तेरी मर्जी अनुसार करिए लॉर्ड जीसस हालेलुया, खुदावन तेरी ही मर्जी नु पूरा करिए लॉर्ड जीसस हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस, खुदावन आज दी इस मीटिंग नु खुदावन असी तेरे हाथां च सौंप दिंदे आ खुदावन लॉर्ड, खुदावन लॉर्ड जीसस, खुदावन इस ग्रुप दे हर एक मेंबर नु खुदावन दे लहू च छपा दिंदे आ लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन तू सानू मदद करनी, सहायता करनी, खुदावन साडे अगे अगे होके अगवाई करनी है लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन तू सानू समझ देनी, बुद्धि देनी है लॉर्ड जीसस। खुदावन खुदावन तेरे वचन च लिखिया जिथे दो या तीन में ना ते इकट्ठे होंगे उथे उथे तेरी हजूरी होगी खुदावन, उथे तेरी मौजूदगी होगी खुदावन, तेरी हजूरी तेरी मौजूदगी साडे विचकार है लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद करदे हां खुदावन, तेरी तारीफ करदे हां लॉर्ड जीसस। खुदावन असी जो कुछ मंगिया खुदावन पा लिया लॉर्ड जीसस, तेरे प्यारे ते पवित्र नाम च मंगदे ते पाउंदे हां। आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और अगे असी प्रभु की महिमा वास्ते गीत गावांगे सिस्टर नीदा होना ने नाम मिलके। सिस्टर नीदा जी, थैंक यू वैष्णव जी, प्रेज़ प्रेज़ लॉर्ड। ओके सिस्टर नीदा, आई थिंक साढ़े नाल शायद फिर उन्हें भेज दिया। मम्मी जी साढ़े नाल गीत गाऊंगे जी, पूछो किदा ना केड़ा प्रभु दी महिमा वास्ते गीत गा जरा भी ठीक है सी गाइए ये तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी अम्मी ठीक। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, 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 जो भजन गीत गाइए उस वर्ग के धन सारे ग्रुप में समा की फायदा जे रब दा ना नी लेना यही है वाही दा कहना, की फायदा जे रब दा ना नी लेना यही है वाही दा कहना, वाही दे विच खड़के जे तू रब नू पकारेगा उथों भी कठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी कठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, तेरी कीती होई कमाई नू, तेरी कीती होई कमाई नू ना बरोदी खाएगा, चार सपेरे दूतां दे रब पैरे लाएगा, जिन्ने ने बिगड़े कम, जिन्ने ने बिगड़े कम यीशु जी आप सवारेगा, उथों भी कठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी कठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, ना कुप्पी चों तेल मुकूंगा ना मटकी चों आटा, ना कुप्पी चों तेल मल मुकूंगा ना मटकी चों आटा, हर थां तेरी जित होएगी
ना पोंगा कटा तेरे सबे कार्य यीशु जी, तेरे सबे कार्य यीशु जी आप सवारेगा, उथों भी कट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी कट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। जे डिग पैन यीशु जी खुचों कड़ेगा, जे डिग पैन यीशु जी खुचों कड़ेगा, मेरा सच्चा रब खदा दरिये दे सुचे दा, मेरा सच्चा रब खदा दरिये दे सुचे दा। जे तेनू कोई मारू यीशु जी आप बचाएगा, उथों भी कट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी कट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की जी, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, जय मसीह दी खुदावंद नु आशीष देवे, बरकत देवे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। और अगे असि प्रभु की महिमा वास्ते गीत गावांगे सिस्टर नीदा होना ना मिलके। सिस्टर नीदा जी गुड इवनिंग। मजबूत मेरा दिल है शौक नाल गावा तारीफ अपने रब दी, मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है पर्वत बीत जागे, मैं जागा ना सवेरे को माते ओ मताबी शुक्राने का तेरे, मजबूत मेरा दिल है बड़ी तेरी रहमत, आसमाना तुझी ऊंची यार तेरी अमान है, बस नजदीक पहुंची मजबूत मेरा दिल है, आसमाना उठे हो तू ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरतियों ते जाहिर होवे जलाल तेरा, मजबूत मेरा दिल है तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हम मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल। हालेलुया प्राइज लॉर्ड। हां जी, थैंक यू सिस्टर जी, खुदा तुहानू आशीष देवे, बरकत देवे। हालेलुया प्राइज लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद। सॉरी, अगे असि परमेश्वर दी महिमा वास्ते गीत गावांगे सिस्टर नीलम हुणां नाल मिलके। प्रेज प्राइज लॉर्ड। दुखां दे ले तेरी यहोवा,
सुने दुआ इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब बदा खुदा है कल तो अपनी गले तेरे वास्ते मदद है कल तो अपनी गले तेरे वास्ते मदद सहून बिचो आपे संभाले तेनू सदा कुर्बानी तेरी सारी करे आप ओ कबूल कुर्बानी तेरी सारी करे पियो कबूल ते नजरा तेरिया वियो याद करेगा ते नजरा तेरिया वियो याद करेगा बख्शेगा तेनु सब जो तेरे दिल दी है मुराद बख्शेगा तेनु सब जो तेरे दिल दी है मुराद पूरा करे गायो तेरा मतलब जरा जरा पूरा करे गायो तेरा मतलब जरा जरा गावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे गावांगे गीत यार तेरी नजात दे झंडा करांगे अपने खुदावन खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावन दीदा खड़ा दरख्वास्ताओ तेरिया पूरी करेगा या दरख्वास्ताओ तेरियां पूरी करेगा या अपने जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा अपने जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू सिस्टर जी खुदावंदा नु आशीष दे बरकत देवे इसी तरह तुसी प्रभु दी महिमा लई गीत गाउंदे रहो आके मैं एक वर्स पढ़ूंगी प्रभु महान है ओ अत्यंत महिमा दे योग है
ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬੰਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਜੀ, Praise the Lord, sister ji. Okay, praise the Lord. Main zabur gaungi 46. Rab saada zor hai te naali saadi hai pana. Rab saada zor hai te naali saadi hai pana. De madad o ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਦੇ ਮਦਦ ਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਂ ਜਾਵੇ ਉਲਟ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਂ ਜਾਵੇ ਉਲਟ। ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਰੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਣ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਡੁਲਕੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਣ ਜਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ, ਦੇ ਮਦਦ ਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਦੇ ਮਦਦ ਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਝੜ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਸ਼ੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਝੜ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਸ਼ੋਰ, ਖੋਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾ, ਖੋਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾਂ ਜੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾਂ ਜੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਕਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਕਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ, ਦੇ ਮਦਦ ਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਓ ਨਾਨੂ ਨਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਜਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦ ਗਾਰ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਫਜਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ, ਕੌਮਾਂ ਆਇਆ
ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਪਿਘਲ ਗਈ ਜਬ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾ ਦੇ ਮਦਦ ਓ ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਤਿ ਸਾਡਾ ਬਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਓ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਰਵਾਹਾ ਲਓ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਵ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲਓ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਲਓ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਲਓ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਓ ਜੀਸਸ ਤੇ ਤਾਰੀਫ 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 ਲਓ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਓ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਾ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨੀ 60 ਗੁਣਾ ਨੀ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਵਨ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਪਾਰਨੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸੋਨੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ आपको बड़े जोर से कुदरत के साथ इस्तेमाल करता रहे आपके ऊपर खुदा का मसा ठहरा रहे आप एक जबरदस्त सुरमा की तरह सिपाही की तरह हमेशा दुश्मन की फौजों पे फतह हासिल करते रहे और वो हमेशा जब भी आपको देखे वो कुड़ता रहे और शर्मिंदा होता रहे और आप खुदा में बढ़ती जाए गॉड ब्लेस यू और अपनी फैमिली के लिए इस ग्रुप के लिए बाइस से बरकत बनते रहे हालेलुया हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस ओरे शिक्रिया कातरी अरे बेसी अरा
थैंक यू जीसस, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यसु, तेरे खून बहाने के लिए खुदा खुदा, तेरे अपने बदन को तूने हमारी खातिर जो तोड़ा खुदा, उसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि यसु आज तेरी इस बड़ी कुर्बानी के वजह से खुदा, उसके वसीला से आज खुदावंद हम तेरी हुजूरी में खुदावंद बाप के सामने उसके तख्त के सामने खड़े हो सकते हैं खुदावंद, तेरे लहू के वसीला से पाक और साफ होकर खुदावंद यीशु, तेरे मार खाने से खुदावंद आज हम आजाद हैं, शैतान की कैद से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद उसने जो हमारे पर कब्जा जमाया था, उसने जो हमें अपने बंधनों में बांधा हुआ था, उसने जो हमें कैद किया हुआ था, यीशु तेरी कुर्बानी के वसीला से आज हम आजाद हैं, हम खुशहाल हैं, बहाल हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे मंसूबा के लिए खुदा, उन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, उन बीमारियों से निकलने के लिए, शफा के लिए खुदा तूने इंतजाम कर दिया हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। एक एक को जो भी हमारे ग्रुप में खुदा किसी भी तरह से कोई भी लानती बीमारी उसके जिस्म में काम कर रही है खुदा, यस्सु के नाम से खुदा खुदा उसके सारे असर को कैंसिल कर देती हूँ, उसको बदन के एक एक अज़ा से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से। कोई दर्दे हैं, कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार है खुदा, मैदे की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है खुदा, यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से खुदाम खुदाम, तेरे लहू की कुदरत से खुदाम मुकम्मल तौर पे आजादी है, बहाली है खुदाम खुदा, शफा है यीशु के नाम से खुदाम खुदा। एक एक को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम, एक जिस्म के एक एक अज़ा को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम, सारा असर कोई भी खुदाम कोई जादू टोना किया हुआ, कोई तवीज धागे हैं, कोई भी हमारे खिलाफ लिखा गया है, पढ़ा गया है खुदा यीशु के नाम से आज उनको कैंसिल कर देती हूँ, ताकि खुदा यीशु तेरे लहू के वसीला से हम पाक और साफ होकर हमारे बदनों के अंदर खुदा कोई भी उसका नामो निशान ना रहे खुदा खुदा, ताकि हम जिस तरह खुदा यीशु तू पाक था खुदा उस तौर से पाक बन सके, हम ये बदन खुदा तेरे हैं और हमारे बदनों के अंदर से खुदा यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, हमारे बदन के किसी भी अज़ा को खुदा उसने ना पकड़ा हो, उसने ना कैद किया हो, उसने कहीं अपने लिए वो इस्तेमाल ना करा हो, यीशु के नाम से बदन के एक एक अज़ा को, हड्डियों को, गोश्त को, गुदे को, नसों को, रूह बदन जान को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ खुदा, हमारे ऊपर कोई भी कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुरी ना रहे, कोई भी बदन के अज़ा को खुदा खुदा वो इस्तेमाल ना कर रहा हो, कोई हमारे अंदर गुस्सा, हरामकारी, जनाकारियां खुदा ना रहे खुदा यीशु के नाम से। जब हम इस लहू को लें, जब इसको अपने बदनों के ऊपर लगाएं, जब इस पानी को पिए जो कि खुदा यीशु तेरे लहू में तब्दील हो गया है, और इस रोटी को लें, तो खुदा हमारे अंदर से, हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से खुदा वो सारी नापाकी, गलाजत खुदा तेरे यीशु नाम से खत्म होती जाए, तेरे लहू से धुलती जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा खुदा हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा, कोई छुरी ना रहे खुदा खुदा, हमारे अंदर से खुदा खुदा तू हमेशा ऊंचा होता रहे खुदा, हमारे घरों से, हमारी चीजों से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, कभी भी खुदा शैतान खुश ना हो हमारी जिंदगी से, हमेशा वो कुड़ता रहे, हमेशा हमेशा उसको आग लगती रहे खुदा यीशु के नाम से। वो जब भी हमें देखे खुदा खुदा वो शर्मिंदा हो यीशु के नाम से, और खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में ऊंचा होता रहे खुदा खुदा। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया, तूने चुन लिया ताकि हम तेरी इबादत करें खुदा खुदा, और खुदा तेरा नाम खुदा इस दुनिया में हमारे बदनों से ऊंचा हो खुदा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो खुदा खुदा। जब हम खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं तो हम खाली हाथ ना जाएं, हम हमारे ऊपर खुदा तेरा मसा, तेरी
पाकरू की नेमते, तेरे पाकरू के फल खुदावंद खुदा, आजादी, बहाली, खुशहाली, सरफराजी, कामयाबी खुदावंद खुदा, तू हमारी झोलियों में भर देना खुदावंद खुदा, हमारे ऊपर तेरा दहना, तेरा कुदरत वाला हाथ बड़ा रहे खुदावंद खुदा। कभी भी खुदावंद तेरी आंखें हमारी तरफ से खुदावंद खुदा पीछे ना हटने पाए खुदावंद, तेरी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहें खुदावंद खुदा, ताकि हम तुझसे वो जोर और ताकत हासिल करते रहें, हम वो तुझ में बढ़ते रहें खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं यीशु। जब हम इस पानी को लें और इस रोटी को लें तो खुदा खुदा हम तब्दील हो जाएं, हम पहले जैसे ना रहें। यीशु के नाम से खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। हम सब ईमान से इस पानी को लें और इस रोटी को लें जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर इस लहू को बहाया, ताकि हम आज़ाद हों, बहाल हों, पाक हों। इस बदन को हमारी खातिर तोड़ा, ताकि हमारे अंदर वो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत जो यीशु मसीह में थी वो हमारे अंदर भी आ जाए, ताकि हम जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे आए तो खुदावंद की कुदरत से, उसकी ताकत से हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। आमीन। हम सबका ईमान है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमें रोज बरोज ताकत दे रहा है, और हम दुश्मन की फौजें जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, हमारी फैमिलीज के, हम उन पे फतह हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। आप सबका ईमान एक ही है, हम फतह हासिल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हर तरीके से आता है, हमें ऐसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, प्रेज गॉड, लेकिन हम खुदावन के जोर से, खुदावन की ताकत से उसमें से, उस आजमाइश में से या दुश्मन के ऊपर फतह पा के निकल आते हैं उससे, है ना। हालेलुया। तो खुदावन का शुक्र करते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये हमारा खुदावन कर रहा है। हमने सिर्फ जैसे कह लें उसकी इबादत करनी है, बाकी काम खुदावन का है। तो खुदावन का शुक्र है कि हम सब जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, खुदावन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुदावन के प्यारे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, खुदावन के जबरदस्त सुरमा हैं, वो मर्द बच्चा है जो के शैतान के ऊपर फतह पाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे हाथों में जो हथियार है उसको, हम जो तलवार है उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और फर्क फर्क तरीके से करते हैं, लेकिन सब कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम कल सीख रहे थे मकाशवा 14 बाब, हमने 5 आयत तक अभी पढ़ा है और अभी उसी पे बात कर रहे हैं और आज भी उसी पे बात करेंगे। हमने सीखा कि ये जो 144,000 ये ग्रोह है, ये ग्रुप है, ये जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, ये कौन है। और हमने सीखा था कि ये वो खुदावंद के खादम हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की, कह लें कि दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। वो खुदा के खादम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने अपना सब कुछ खुदावंद की खातर खत्म किया, तर्क किया, छोड़ दिया, और वो अपना मालो सबाब और अपनी जिंदगियां जो थी वो खुदावंद के हाथों में दी। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि क्या तू मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करता है, है ना। तो जब उसने कहा कि हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है, है ना, तो फिर खुदावंद ने उसको कहा कि मेरे बर्रे चरा। तो खुदावंद ऐसे लोगों को जो
सबसे ज्यादा सिर्फ खुदा उनको मोहब्बत करते हैं, ये वो वाला ग्रुप है या ये वो लोग हैं जो खुदावन से अपने बदन से भी ज्यादा यानी अपनी जाने भी वो कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और जिन्होंने अपने जिस्मानी जो क्या कहते हैं जरूरतें या कुछ भी जो था उसको जरूरी नहीं समझा, अपनी ख्वाहिशें जो थी जिस्मानी उनको जरूरी नहीं समझा, अपने बीवी बच्चों माँ बाप सबको छोड़ छाड़ के वो खुदावन की खिदमत करते हैं या खुदावन को पहला दर्जा देते हैं, ये वो लोग हैं, है ना। ये हमने सीखा और फिर हमने सीखा कि ये गीत जो गा रहे हैं ये गीत और कोई क्यों नहीं सीख सका था, ये सिर्फ ये गीत लिखा है कि ये सिर्फ इन्होंने ही सीखा है ना। और कल हमने सीखा था थोड़ा सा कि ये जो तार धार साज या परपत या के ऊपर गीत गा रहे हैं तो ये असल में जैसे कह लें कि जो इनके तार थे या इनका जो एक रूह में बंधे हुए थे खुदाम के साथ, खुदाम यीशु मसीह के साथ, खुदाम पाक रूह, ये एक रूह में बंधे हुए थे, इनकी तारें जो थी कह लें कि वो खुदाम के साथ जुड़ी हुई थी रूह बदन और जान के साथ, ये खुदाम की खिदमत के लिए तैयार थे या कर रहे थे, है ना। तो इस वजह से ये इनके जैसे कह लें सुर ताल जो थे वो खुदावन के साथ जुड़े हुए थे, और ये इसीलिए ये लोग जो थे ये गीत गा सके थे, बाकी कोई ये गीत जो था वो नहीं सीख सका था। और ये लोग जो थे जबूर में हमने सीखा था कि जैसे मूसा महस्तशना की किताब में है ना कि मूसा का गीत गा रहे थे, तो गीत जो है और फिर हमने देखा कि जबूर 137 में जबूर 140 में गजलों गजलात में हमने पढ़ा था कि लोग गीत गा रहे हैं, है ना। तो ये लोग जो गीत गा रहे थे ये सारे गीत नहीं गा रहे थे, है ना। कुछ लोग जो होते हैं जैसे पुराने अहदनामे में वो मूसा का गीत गा रहे थे, और नए अहदनामे में हमने मकाशफा 15 बाब और उसकी 3 आयत में देखा कि बर्रे का गीत गा रहे थे, है ना। तो ये वो लोग हैं जो बर्रे का गीत गा रहे थे, है ना। तो गीत का हमने ये सीखा था कि जो खुदावन की साथ लोगों का रिश्ता होता है रूहानी, एक जो उनके खुदावन के साथ मोहब्बत प्यार में वो जो रूहानी तौर पे बढ़ रहते हैं, जो उनके एक ग्रोथ हो रही होती है उसकी समझ के मुताबिक वो जो गीत गाते हैं। जैसे हमने देखा कि मूसा ने गीत गाया खुदावन के लिए, है ना। तो उसने जब रूहानी तौर पे खुदावन के साथ चल रहा था, जो उसकी समझ थी, जिस जो रूहानी उसकी ग्रोथ हो रही थी, जिस लेवल पे वो था, उस हिसाब से अपने तजर्बात के हिसाब से उसने वो गीत गाया, और उसके लिए वो एक आइन या एक शरीयत जो था वो बन गया। तो जो लोग जिस तरह का खुदावन के साथ उनका रिश्ता होता है उस हिसाब से जब वो गीत गाते हैं खुदावन के लिए, यानी वो जिस हुक्म पे कह लें हमने सीखा था कि अमल करते जाते हैं, वो एक गीत की तरह है, वो एक एक आइन की तरह उनके लिए बन जाता है, वो जो गीत है, वो जो हुक्म है जिन पे वो अमल करते हैं, जिन आइन पे वो अमल करते हैं, जिस शरीयत पे वो अमल करते हैं। तो इसीलिए ये लोग वो थे जो खुदावन के हुक्मों पे अमल कर रहे थे, खुदावन ने जो भी खुदावन यीशु मसीह ने उनको उस इन लोगों को हुक्म दिए शरीयत दी उन पे अमल कर रहे थे, उनके उनको मान रहे थे और उसमें बढ़ते जा रहे थे, इनकी रूहानी तौर पे जो एक ग्रोथ थी, एक
वो बन रही थी और इनके जो सुर ताल जैसे कह लें कि वो खुदावंद के साथ मिले हुए थे। जैसे जैसे हम खुदावंद के साथ हमारा रूहानी जो रिश्ता है वो गहरा होता जाता है, वैसे वैसे ऐसे जैसे कह लें कि हमारे अंदर से खुदावंद ही की बातें जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता। कभी आपने खुद भी नोट किया होगा, बहुत सारे हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ अभी दुनियावी बातें भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपने खुद भी नोट किया होगा कि जिसके अंदर खुदावंद की पाकरों की आग लगी होती है, वो जहां पे भी बैठता है वो खुदावंद ही की बातें करता रहता है, खुदावंद ही के कहले गीत गाता रहता है। और जैसा उसका खुदावंद के साथ रिश्ता होता है वैसा ही एक जैसे कहले खुदावंद की नजर में उनके लिए ये एक गीत बन जाता है। तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जो भी खुदा जहां भी बैठते हैं गवाहियां देना शुरू कर देते हैं, गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो ये असल में उनकी जो है रूह बदन और जान से वो खुदावन से मोहब्बत करते हैं। तो उनकी एक एक तार जो है वो खुदावन के साथ जुड़ी हुई है, मिली हुई है। तो ये ऐसा वाला ग्रोह है। और फिर इनमें खास जो एक जो दूसरे यानी जो ग्रुप है जैसे कह लें जो जमीन जैसे हम काशवा की किताब में आगे चल के देखेंगे कि ऊपर एक किस्म के तीन ग्रुप हैं या तीन ग्रोह हैं, यानी जो नई जमीन पे होंगे, नए आसमान पे होंगे और नए यरूशलम में होंगे, है ना, और सहून में। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन यानी नई जमीन के लोगों से और नए आसमान के लोग जो है ग्रुप जो है उनसे इन तीनों इन्होंने सबकत जो है वो हासिल की है या बर्तरी जो है या ये उनसे ऊंचे लेवल पे ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ खड़े हुए हैं, है ना। ये जो सहून का पहाड़ है वहां पे क्या है, ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए ये उन सब से जैसे कह लें ऊंचे दर्जे पे हैं या सबसे कह लें सबकत ये जो लोग हैं ये लेके हैं, क्योंकि ये खुदावंद के कवानीन पे ये वाला ग्रुप जो था अमल करने वाला था, उसके ऊपर चलने वाला ये ग्रुप था। तो इस जो खुदाम के कानून है वो क्या कर रहे हैं, हमें पाक कर रहे हैं। खुदाम के हुक्म क्या कर रहे हैं, यानी खुदाम का कलाम क्या कर रहा है, हमें पाक और साफ कर रहा है, पाक बना रहा है ना। इसलिए ये लोग हर लिहाज से दूसरे जो ग्रोह हैं या दूसरे जो ग्रुप हैं यानी नई जमीन पे जिनकी सिर्फ रूह ही बची है बचेगी, और जो नए आसमान पे हैं यानी हमने देखा कि नए आसमान पे दो किस्म के ग्रुप होंगे, यानी पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन और जो सारे शहीद होंगे वो नए आसमान पे होंगे, है ना। तो ये उनसे सबकत ले गए ये वाले ये जो ग्रुप है। और ये कहाँ पे हैं जो ये गीत गा रहे हैं, ये जो नया गीत गा रहे हैं, या सिर्फ ये गीत यही लोग सीख सके। एक तो ये बरे के लहू से धुले हुए हैं, इसलिए ये पुराने अहदनामे के वो जो 144,000 इसराइली हैं ये वो लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके माथे पे क्या है, बर्रे का नाम लिखा है और बाप का नाम भी लिखा है। लेकिन वो जो 144,000 थे जो इसराइलियों में से 12 कबीलों में से चुने गए थे उनके ऊपर सिर्फ बाप का नाम लिखा हुआ था, है ना। लेकिन इन पे खुदावंद यीशु मसीह का और खुदावंद बाप का नाम लिखा हुआ है, है ना। तो और ये जो खुदावंद के आइन है कानून है उन पे अमल करने वाले लोग हैं, इसलिए ये गीत सिर्फ यही सीख सके। इसलिए ये नया गीत जो था ये यही गा रहे हैं। तो नए गीत का हमने थोड़ी सी मेरा ख्याल है समझ लगी होगी कि जो जो जैसे जैसे हम खुदा के हुक्मों पे अमल करते जाते हैं वो एक गीत जो है हमारा हमारे लिए बनता जाता है, कि वो गीत सिर्फ हम ही गा सकते हैं जो खुदा के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो पाक हैं, जो पवित्र हैं, और इसीलिए ये खुदा के तख्त के
पास हैं या तख्त के ऊपर हैं, ये खुदा उनके साथ, खुदा यीशु मसीह ने जैसा वादा किया कि जो गालिब आए वो मेरे साथ, जिस तरह मैं गालिब आके अपने बाप के तख्त के ऊपर बैठा, तो ये भी आप लोग भी जो गालिब आएंगे, जो फतह हासिल करेंगे, वो मेरे साथ मेरे तख्त पे बैठेंगे, है ना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फतह पे फतह हासिल करते गए, ओवरकमर हैं ये, है ना। और जो तख्त है वो किससे बना है, बहुत से लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी आयतें पढ़ेंगे कि खुदावंद का तख्त जो है वो असल में बना ही क्या है, पाकीजगी से बना हुआ है। कुदूसियत जो है वो खुदावंद का तख्त है या उससे सादर होती है। तो हम एक तो हवाला पढ़ते हैं कि वहां पे कौन लोग जा सकते हैं, वो जो पाक दिल है, वो जो पाक लोग हैं। इसलिए तख्त के जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया हमारे साथ, वादा उसने किया है, लेकिन जाएंगे वो ही लोग जो पाक हैं। तो क्योंकि खुदावंद का तख्त क्या है, वो पाक है। हम जबूर 93 उसकी 5 आयत पढ़ेंगे कि खुदाम का तख्त जो है वो क्या है। जी हमारे साथ कौन रीडिंग में है? मैं कर लेगी 93 उसकी 5 आयत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तबीयत मैंने कहा ठीक है ओके नहीं नहीं 93 उसकी 5 आयत। हाँ जी ओके तेरी शहादत जबूर। हाँ जी जबूर 93 उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। तेरी शहादत बिल्कुल सच्ची है ऐ खुदावन, अब्दुल अबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को जेबा है। आमीन आमीन जी जी अंजना पढ़ो। तेरियां साखियां अत सच्चियां हन हे यहोवा, पवित्रता ही तेरे भवन नूं अनंत काल तक फबदी है। आमीन। हाँ जी जो तो खुदावंद का जो तख्त है वो क्या है, वो पाक है। और उसके घर से जो है जहां खुदावंद का तख्त लगा हुआ है वहां से कुदूसियत जो है, पाकीजगी जो है वो सादर होती है। हम एक और हवाला पढ़ेंगे यसाया दूसरा बाप उसकी 3 आयत। यसाया की किताब उसका 2 बाप उसकी 3 आयत से आप पढ़ना। हाँ जी बहुत ही उमता उड़नगियां अति आखनगियां आओ असी यहोवा दे पर्वत उत्ते यकूब दे परमेश्वर दे पवन वाल चढ़िए कि ओ सानू अपने राह विखावे अति असी ओदे मार्गां विच चलिए क्यों जो व्यवस्था से ओन तो निकलेगी अते यहोवा दा वचन यरूशलेम तो। आमीन। हां जी वफा बल्कि बहुत सी उमते आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हो और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे क्योंकि शरीयत सहून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। आमीन आमीन। हां जी एक और हवाला हम पढ़ते हैं जबूर 89 उसकी 14 आयत। जबूर 89 14 वर्स। हाँ जी धर्म ते न्याय तेरी राजगद्दी दी नी है दया ते वफादारी तेरे अगे अगे चलदियां हैं। आमीन। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद। 14 आयत। हाँ जी हाँ जी पढ़ो 89 जबूर। ओके सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी गॉड ब्लेस यू। तो खुदावंद का तख्त जो है वहां पे कौन लोग जैसे कह लें जा सकते हैं क्योंकि खुदावंद का तख्त जो है वो पाक है, पाकीज़गी जो है वहीं से सादर होती है और सदाकत जो है कदूसियत जो है वो खुदावंद के तख्त से ही
हम तक कहले पहुंचती है, और हम जैसे जैसे खुदावन में बढ़ते जाते हैं हम पाक होते जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो खुदावन के हुक्मों पे अमल कर रहे थे। लिखा क्या है कि सहून से शरीयत जो है और खुदावन का कलाम जो है ये यरूशलम से सादर होता है, है ना। यसाया की किताब में जो हमने पढ़ा कि वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावन का कलाम यरूशलम से सादर होता है। तो इसलिए खुदावन का जो तख्त है वहां से जो भी शरीयत, जो भी हुक्म, जो भी आयन, जो कवानीन हमें मिलते हैं, अगर हम उन पे अमल कर रहे हैं तो फिर हम उन रास्तों पे चल रहे हैं, फिर हम न्यू यरूशलम या सहून की तरफ चल रहे हैं, फिर हम पाक और साफ हो रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे पाक साफ होते जाएंगे वैसे वैसे हम उस तख्त के लायक जो है बनते जाएंगे, या कह लें उस मियार तक जो खुदावन का है उस तक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि पाकीजगी जो है वो कैसे आती है, जैसे जैसे हम खुदा उनके हुक्मों पे अमल करते जाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, खुदा यीशु मसीह का लहू हमें पाक साफ करता है, है ना। लेकिन यह है कि जब तक उसके हुक्मों पे अमल नहीं करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने शरीयत हमें दी है उस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक हम उस तख्त के लायक नहीं बन सकते। जो खुदा उनका तख्त है वो क्या है, वो पाक है, और वहां तक जाने के लिए भी या पहुंचने के लिए हमें पाक जो है वो बनना पड़ेगा, जिस तरह के खुदावंद है, जिस तरह के खुदावंद का एक उसने एक कह लें कि एक मियार रखा हुआ है, हर कोई नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए खुदावंद के तख्त तक जाने के लिए, क्योंकि वो जलाली है, तो हम भी हमारे बदनों से रोज रोज जो खुदावंद के नाम को जलाल अगर मिल रहा है वो हमारे जैसे ये रोशनी जो है, खुदावंद का तख्त क्या है, वो एक काशवा की महल आखिरी जो महल 21 बाप है, महल 22 बाप, उसमें आना लिखा कि वहां सूरज चांद सितारों की रोशनी की जरूरत ही नहीं होगी, वहां क्या है खुदावन की रोशनी होगी, खुदावन यीशु मसीह की होगी, और हम भी वहां पे क्या है चमक रहे होंगे। तो इसलिए अगर यहाँ इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि चिरागों की तरह हमें रोशन होना है, तो अगर यहाँ पे चिरागों की तरह हम रोशन हैं, हमारे बदनों से खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उस तख्त की तरफ जाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हम वो उस तरह से पाक जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि खुदावंद पाक है, जिस तरह के वो वर्ड्स है कि जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, है ना, हम भी उसी तरह पाक बने, तब हम उस तरफ जाने की जो है तैयारी जो है वो करें। तो ये वो वाला ग्रुप था, ये वो वाले शख्स हैं, लोग हैं जिनके अंदर से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा था। इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, जैसे कल भी हमने हवाले पढ़े थे, है ना, कि खुदावन के शिगिर्द वो हैं जो अपना सब कुछ तर्क करके सब कुछ छोड़ के खुदा उनके पीछे चलते हैं। तो इसलिए ये इस किस्म के लोग हैं जो के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदा उनके पीछे चल पड़े थे, और खुदावन ने भी फिर इनको वो कह लें इख्तियार जो है या वो तख्त जहां पे खुदा यीशु मसीह बैठे हैं, है ना, उस तख्त तक जाने के लिए या पहुंचने के लिए खुदावन जो है इनके साथ खड़ा है, खुदावन यीशु मसीह इन लोगों के साथ खड़ा है, है ना। तो इसलिए इनके माथे पे खुदावन यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है और बाप का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस तरह पाकीजगी में चल रहे हैं जिस तरह के खुदावन यीशु मसीह फतह पे फतह हासिल करके और उसको हरा के शैतान को खुदा उनके तख्त तक पहुंचा। तो ये भी वही लोग हैं या उस किस्म के लोग हैं जो शैतान पे फतह उन्होंने जिन्होंने हासिल की है दुनिया से, ये
छुड़ाए हुए लोग हैं, दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, है ना, जिनके माथे पे क्या है, खुदावंद का और खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस, उसका पहला बाप उसकी 4 है, दूसरा पत्रस उसका पहला बाप उसकी 4 है। पढ़ो। हाँ जी। जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते अलाही में शरीक हो जाओ। आगे भी 5 आए, पढ़ लो 5। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम्हें मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। आमीन आमीन। हाँ जी जी अंजना जी। ना दी राही ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਪਣ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਸੇ ਹਮੇਂ ਕਿਸ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ, बुरी ख्वाहिशों से बच के रहें, दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, ताकि हम खुदावंद में शरीक हो सकें, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं, है ना। और ये किस तरह हम होंगे, जब हमारे अंदर ईमान होगा, नेकी होगी, परहेजगारी होगी, सबर होगा, है ना, मोहब्बत होगी आपस में भी, जैसे कल भी हमने बात की कि जब खुदावंद के साथ एक हमारा रिश्ता जो है मोहब्बत का होना चाहिए, लेकिन खुदा के खादम जो हैं वो आपस में भी उनका जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो उनमें उल्फत है, बरादराना मोहब्बत, वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खुदा के साथ ही नहीं हमारी मोहब्बत, हमें जो आपस में, जैसे कहें ये खुदा के खादमों की बात हो रही है, या हम सभी जो हैं आपस में भी जो हमारी मोहब्बत है वो इस तरह की होनी चाहिए, तब हम उस तख्त के लायक जो हैं वो ठहरेंगे, तब जो है इस ग्रोह में जैसे कह लें कि हम शामिल होंगे। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, कुलसियों 3 बाप उसकी पहली आयत, कुलसियों 3 बाप उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। जी वफ़ा पढ़ेंगे, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बाजी, आवाज आ रही। कुलसियों 3 बाप पहली आयत से या पढ़ना। हाँ, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में ना रहो, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। आमीन। हाँ जी, आगे अंजना पढ़ना। तो जे तुसी मसीह दे नाल जीवाए गए तां उताहां दीआं गल्लां दे मगर लगे रहो, जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। उताहां दीआं गल्लां उते चित लाओ, ना उना उते जिहड़ियां धरती उपर हन, क्यों जो तुसी मोए ते तुहाडा जीवन मसीह दे नाल परमेश्वर विच गुप्त होया। आमीन। आमीन।
पढ़ लो चौथी आयत। जी इस वेले में सी जो साडा जीवन है प्रगट कीता जावेगा उस वेले तुसी भी ओदे नाल तेज विच प्रगट कीते जाओगे। आमीन आमीन आमीन। हां जी, तो ये इस किस्म के लोग हैं जिनके जो खुदा यीशु मसीह के साथ जलाए गए, और ये लोग हैं जो जैसे हम जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब हम मर गए हैं, मसीह हम में जिंदा हो गया है। यानी बदन के हिसाब से कोई भी जो काम है, जो जो भी जिस्मानी तौर पे हम काम करते हैं वो काम हमें नहीं करने, वो समझे कि हम मर गए। अब जो मसीह हमसे करवाना चाहता है अब वो हमें काम करने है। अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस जलाल में दाखिल होंगे, या उस खुदावंद के जो दहनी हाथ खुदा के जो दहनी हाथ बैठा है खुदावंद यीशु मसीह, तो हम भी वहां पे मौजूद होंगे, है ना। तो इसलिए आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें, यानी रूहानी जो चीजें हैं, जो आसमान की चीजें हैं, हम हर वक्त उनकी तलाश में रहें। या ये लोग वो थे जो इस तरह के थे, मतलब उनका जमीन की चीजों के साथ कोई एक मोहब्बत रुपए पैसे के साथ या अपनी इज्जत, सबको हमको बड़ी प्यारी होती है ना, तो ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा उनकी खातर हम पालूस रसूल का देखते हैं, पत्रस का, या बाकी के भी खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उनको किस तरह लोग रद्द करते थे या उनकी नहीं सुनते थे या उनको जेलों में डाला गया, मारा गया, है ना। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह की खातर सब कुछ सह रहे थे, है ना, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने अपनी इज्जत को अजीज नहीं समझा कि ये तो लोग की मेरी गाली नहीं सुनते पे, है ना, ये तो हमें रिजेक्ट करें, हमें खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे तो हमें इनको नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी इज्जत को वो नहीं समझा बल्कि खुदा उनके कलाम को, या खुदा ने जो उनको काम करने के लिए कहा था, है ना, वो उस पे लगे रहे। अपने किसी भी चीज को उन्होंने जरूरी नहीं समझा, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, सबको छोड़ के वो खुदा उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बल्कि एक जगह कल भी हमने बात की कि पालुस रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खून बहाने के लिए भी तैयार हूँ, इतना वो अपने जो जो खुदावन ने काम करने के लिए उसको कहा था, यानी मनादी करने के लिए, नेक काम करने के लिए, वो इस तरह से जान फिशानी से खुदावन का जो काम था वो कर रहा था। और खुदाम की जो काम हुक्म थे उन पे अमल कर रहा था, है ना। तो अगर इस तरह के जो लोग हैं इस तरह से खुदाम के साथ चल रहे हैं और खुदाम के कवानीन जो उसने बनाए हैं, जो दिए हैं हमें, जो खुदाम यीशु मसीह के शिगिर्दों के जरिए हम तक पहुंचे हैं, अगर हम उन पे इस तरह से अमल कर रहे हैं खुदाम के, तो हम इस तरह के ग्रोह में शामिल जो हैं वो हो सकते हैं। यानी और कल हमने बात की कि ये जो खुदाम के कदम हैं जिनकी कह लें गिनती वो हुई हुई है 144,000, ये वो हैं जो खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। और आगे जो दुल्हन है उसका जो एक लेवल है या मियार जो है वो भी इसी तरह का होगा, क्योंकि ये क्या है, खुदाम बाप, खुदाम पाक रूह, खुदाम यीशु मसीह और खुदाम यीशु मसीह के जो लोग हैं, ये जो हैं दुल्हन है वो भी उसी तरह एक रूह में बंधे होंगे। तो इसलिए ये वो सारे लोग हैं, वो ग्रुप है जो एक रूह में खुदाम के साथ बंधा हुआ है। तो इस वजह से कह लें कि ये खुदाम यीशु मसीह के साथ खड़े हुए हैं, जिनको खुदाम यीशु मसीह ने दुनिया से अलग किया है, है ना। और ये खुदाम यीशु मसीह ने क्या किया था, खरीद लिए थे लोग अपने लिए, अलग कर लिए थे लोग, है ना, ये वो लोग हैं। ये खुदा और बर्रे के लिए फल होने के वास्ते आदमियों से खरीद लिए गए थे, ये वो लोग हैं। और यही कुलसियों, वफा आप निकालना 3 बाब उसकी
11 आयत भी हम पढ़ते हैं। तुलसियां 3 बाप उसके 11 आयत पे पढ़ना जी। मैं पढ़ना, उथे जुनानी अते यहूदी सुनती अते असुनती वहशी अते सखुती गुलाम अते आजाद कोई भी नहीं हो सकता, पर मसीह सबो कुछ अते सबना विच है। सो तुसी परमेश्वर दे चुनिया होया वांगू जड़े पवित्र अते प्यारे हन रहम दिली दयालगी अधीनगी नरमाई अते तीरज नो पहन लो। आमीन। आमीन जी बाबा। वहां ना यूनानी रहा ना यहूदी, ना खतना ना नमकतूनी, ना वैशी ना सुकूती, ना गुलाम ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। 12 आयत भी, हाँ जी 13 तक पढ़े। हाँ ओके। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहमल का लबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसा खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं यानी फिर हमारी एक जो हम कहते हैं ना पहचान, वो सब खत्म हो गई। चाहे हम बड़े जैसे कोई हैं, किसी भी कौम से निकले हैं, फिरके में से निकले हैं, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सब हम एक हैं। अब क्या है, हमारे अंदर सिर्फ खुदा यीशु मसीह नजर आना चाहिए और हमारी कोई पहचान नहीं है कि हम इस जात में से हैं। कुछ लोग आपको शायद पता ही होगा ना कि जिस फिरके में से उसमें से कौम में से आते हैं, मजहब में से आते हैं, उनकी पहचान भी अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी कोई जो जाते पाते हैं उनका कोई हमारे साथ अब जैसे कह लें कोई क्या कहते हैं लिंक नहीं है। अब जो है हम सिर्फ मसीह के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, है ना, और खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर से नजर आना चाहिए। कोई हमारी और पहचान नहीं है कि हमारे जैसे सिखों में से आए या हिंदुओं में से आए हैं तो हमारी ये वाली जात थी या हमारे ये पहचान थी, वो सब खत्म हो गया। अब हमारा उससे कोई एक कह लें कि कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या है, जैसे किस में लिखा हुआ है ना कि अब हम मसीह के घराने के हो गए हैं, खुदा के घराने के हो गए। अब क्या है, हम शाहिनी कहनों का फिरका, अब हमारा जो घराना है या जो हमारी पहचान है वो सिर्फ खुदावंद है। इसलिए कोई भी जैसे जो खतना है, यहूदी लोग आपको पता है कि खतना करते हैं ना, वो उनकी पहचान है, लेकिन हमारी अब ये पहचान है कि अब हमने दिल का खतना किया, अब हम खुदा यीशु मसीह के लिए सब कुछ अपना जो है वो छोड़ छाड़ के खुदा उनके पीछे जो है वो चल पड़े हैं, है ना। तो इसलिए ये सब कुछ खत्म हो गया और अब हमने किसको पहन लिया, खुदा यीशु मसीह को पहन लिया, है ना। या उसके ये जो 12 आयत है जिसमें लिखा है कि बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी मेहरबानी फरोतनी और हिलम और तहम्मल का लबास पहन लो। यानी ये सब किसकी खूबियां हैं, खुदा यीशु मसीह की, खुदा बाप की खूबियां हैं। तो अब हमें ये वाला जो है लिबास जो है किस्म का पहन लेना, बाकी अब हमारी कोई पहचान नहीं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, पहला करंथियों 12 बाप उसकी 13 आयत। पहला करंथियों उसकी 12 उसका 12 बाप 13 आयत जी। क्यों जो असी सबना नु की यहूदी की जुनानी की गुलाम की आजाद एक शरीर बनन ले इको आत्मा नाल बपतिस्मा देता गया अते असा सबना ने इको ही आत्मा पाया गया। आमीन। हां जी पढ़ो। हां जी 12 आयत ना। हां क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहर मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। बस। हाँ जी। तो अब हम जो हैं वो एक बदन है, खुदा यीशु मसीह के साथ
हम एक बदन है, हम अपनी अपनी कोई पहचान नहीं है कि मैं कोई खुरे नबिया हूँ या मैं इस तरह देखते ही है ना, लेकिन वो जो एक हमारी अपनी पहचान है वो कोई नहीं। हमारे अंदर हमारे बदन के अज़ा क्या हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। कोई अच्छा प्रीचर या कुछ, वो कोई हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है, जब भी हम किसी की क्या कहते हैं, किसी की तारीफ करनी है तो इस तरह कहना कि इसके अंदर खुदावंत का रूह काम कर रहा है, इसके अंदर ये जो कलाम पेश करता है तो खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल मिले, खुदावंत इसके बदन को यूज कर रहा है। तो हम इस तरह से, यानी कहीं पे भी हमने उस बंदे को जलाल नहीं देना, उस प्रीचर को वो या कोई गीतकार है या कुछ भी, ये हमने, क्योंकि हम क्या हैं, एक बदन है, मसीह का बदन है। अब हमारा बदन नहीं रहा बल्कि मसीह का बदन है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु को के नाम को जलाल देने के लिए कर रहे हैं। अब हमारी पहचान जो है वो खत्म हो गई है, कोई भी यहाँ पे फिर गई है कि खाओ यहूदी हो, क्योंकि यहूदी आप सबको मैं पता है कि वो बड़े एक प्राउड फील करते हैं कि वो खुदा की चुनी हुई कौम है, है ना। तो इसलिए ये जब मसीह में आ जाते हैं तो वो सब कुछ एक जो गुरूर है कि हम कोई बड़े अमीर हैं या हम इस तरह से हैं, है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे अंदर क्या है, सिर्फ मसीह ही मसीह जो है वो नजर आए। तो इसलिए ये उस किस्म के लोग हैं जिनके बदनों से सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा था। और खुदावंद ने हमें असल में खरीदा ही इसीलिए है, खून दे के उसने शैतान से खरीद लिया, हमें दुनिया से अलग कर लिया है कि अब खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, है ना, क्योंकि उसने खरीदा है तो हम उसके हैं अब, है ना। ये बदन जो है अब हमारे नहीं रहे, ये एक कह लें भेद जो है वो हम पे खुलना चाहिए मसीहियों पे कि अब ये बदन हमारे नहीं है, अब हमारा इनके ऊपर कोई वो जो क्या कहते हैं इख्तियार है वो नहीं होना चाहिए। हम पूरे तौर पे अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दें ताकि जो कुछ वो चाहता है, जो काम मुझसे वो कराना चाहता है, जो आपसे वो कराना चाहता है वो करें। इनकार ना करें हम कभी भी किसी काम जब वो करने के लिए कहे, क्योंकि जब वो काम करेंगे, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो अगर मैं उस वक्त हाँ ना करती कि खुदावंद ये ग्रुप शुरू करने के लिए, तो आज आप कितने बहुत से को होगी ये वाली स्टडी या ये कलाम के ऐसे भेद, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर उनके चर्चेस में ये कलाम के भेद जो हैं वो नहीं खुले थे, है ना। तो अब खुल रहे हैं, खुदावंद मेरे जरिए आपसे बातचीत कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ये मुकाशफे जो हैं, ये कलाम के भेद जो हैं वो हमारे जो खुदावंद के लोग हैं सबके ऊपर खुले। तो अगर मैं अपने बदन को पेश ना करती तो आज अब हो सकता है किसी और को खुदावंद यूज करता, लेकिन जो मुझे एक खुदावंद के से बरकत मिलनी है या मेरे बदन को जिस काम के लिए उसने बनाया था कि उसने मुझे अपने काले हलके में यूज करना था, तो वो नहीं हो सकता था अगर मैं इनकार करती थी। तो इसलिए खुदावंद ने हमें बनाया ही इसलिए ये नेक काम करने के लिए, और ताकि हमारे बदनों से खुदावंद यीशु नाम को जलाल मिले, इज्जत मिले। तो अगर हम नहीं करते, हम यही कहते रहते अभी मैं तैयार नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी तो मैं ये, है ना, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहते हैं कई दफा ओ मैं अगले साल कर लूंगा, मैं कुछ दिन बाद कर लूंगा, तो हमें पता नहीं है हम दूसरा सांस लेंगे भी या नहीं लेंगे, है ना। तो इसलिए जब भी हमें बुलावा आए, जब भी कॉलिंग हो कि खुदावंद हमें बुलाए कि ये काम तूने करना है, तो हम हर वक्त तैयार हों, क्योंकि हम आए ही इसलिए जमीन पे हैं कि ये खुदावंद के जो काम है, खुदावंद के जैसे कह लें मनादी करें, प्रचार करें, जो जो काम है अलग अलग हम सब के काम है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पूरा जिस्म जो है कुछ बोलने के लिए हैं, कुछ हाथों से काम करते हैं, कुछ लोगों की खिदमत के लिए, यानी वही नेम पे जो है वो फर्क फर्क हैं।
लेकिन हम हैं क्या हैं, सब एक ही पतन है, खुदा यीशु मसीह का पतन है। तो अगर जब हम इनकार कर देते हैं, हम अपने बदनों को देते नहीं है, पेश नहीं करते कि हाँ खुदावंद तू ले और इसको इस्तेमाल कर, तो फिर खुदाम का काम तो नहीं रुकता, लेकिन वो किसी और को इस्तेमाल कर लेता है ना। तो अच्छा है कि हम ही तैयार हों, जो भी हमारी एक किस्म की कहले खिदमत है, और ताकि हम भी तैयार हों, जिस तरह के ये पीछे मेरहल हमने पढ़ा था कि एक तो हमने तैयार होना है, खुदा के खादम खुद तैयार हो रहे हैं, और दूसरा ये जो उनको खिदमत दी जाती है, जो काम दिया जाता है, उससे भी वो तैयार हो रहे हैं, या उससे भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। और ये असल में खिदमत ही जो हमें खुदा देता है, उसमें ही हम तैयार हो रहे हैं, उसमें ही खुदा हमारी वफादारी, ईमानदारी, ताबेदारी, परहेजगारी और पाकीज़गी को देख रहा है ना, तो वो हमें तैयार कर रहा है। तो इसलिए हमें जब भी खुदा बुलाए, हमें तैयार होना चाहिए, ताकि ये बदन जो है वो काम करे। कोई भी अब हाथ काम नहीं कर रहा फर्ज करे, है ना, तो वो हाथ वाले जो काम है वो कौन करेगा फिर, है ना। अगर हम बोलते ही जाए, मुंह ही मुंह है, और जो हाथों से काम करने या पाँव से काम करने हैं, तो इसलिए सब जो जो काम आप हम सबको दिया जाए, वो हम सब करने के लिए तैयार हों। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, लुका 14 बाप उसकी 26 आयत। अपनी जान नाल भी वैर ना रखे ता ओ मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीप चुक के मेरे मगर ना आवे, मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों, भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। हाँ जी, तो कई दफा होता है, जैसे शायद एक दफा खुदा यीशु मसीह को भी किसने कहा था, है ना, कि वो अपना जो बाप है मेरहल उसको दफनाने के लिए, तो खुदा मैं फिर तेरे पीछे आता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे आ जा। तो इसलिए कोई भी है रिश्ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, जैसे कह लें ये कुछ साल पहले एक पास्ट हमारे पास्टर ने ये टेस्ट मैंने दी कि खुदावन ने एक बच्चा था, मतलब उसकी कॉलिंग थी मिनिस्ट्री में जाने के लिए, खिदमत के लिए, पास्टर्स के लिए। तो उसने कहा कि अभी मेरे माँ बाप जो हैं वो बूढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनका कोई इंतज़ाम करके या कुछ ऐसा करके, तो फिर मैं मिनिस्ट्री में जाऊँगा, अभी मैं नहीं जा सकता, है ना। तो पास्टर ने कहा कि तू अपनी खिदमत के लिए हाँ कर, ये जो तेरे माँ बाप हैं इनकी जो रखवाली है या इनकी देखभाल जो है, इनकी परवरिश जो है, वो खुदावंद खुद करेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं वो इन वजूहात की वजह से कि वो अभी हमारे माँ बाप को ज़रूरत है हमारी, या मेरे बीवी बच्चे अभी वो बच्चे छोटे हैं, अभी मैं ये खिदमत नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमारे रास्ते में बड़ी रुकावट होते हैं, मियां बीवी, बच्चे, माँ बाप, है ना, बहन भाई। लेकिन खुदावन क्या कह रहा है कि जो इन सब से ज्यादा मुझे अजीज रखेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनको छोड़ देते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, या उनका ख्याल नहीं करते, या उनसे मोहब्बत नहीं करते। हम उनका ख्याल रख सकते हैं या उनके मोहब्बत जो है वो करते हैं, लेकिन खुदावन के काम को या जो भी खुदावन ने हमें खिदमत दी है उसको पहले दर्जे पर रखना है।
इनकी देखभाल जो है या बच्चों की या मियां वो उसकी माँ बाप की जो है वो खुदावंद खुद इंतजाम करता है। आप कभी भी ऐसा करके देखें, मैंने भी जैसे कह लें अपने तजर्बे से सीखा है, जावेद ने भी इस तरह, कि जब हम अपनी अपनी जो भी खुदावंद खिदमत कह लें कर रहे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो अपने आप जैसे कह लें थोड़े थोड़े जो बिगड़े होते हैं या इधर उधर चल रहे होते तो वो खुदावंद जो है खुद बहुत रस्तों पर उनको ले आता है, ठीक रस्तों पे ले आता है, या जो भी उनकी ऐसे जैसे जब हम खिदमत नहीं कर रहे होते खुदा उनकी तो ऐसे लगता है जैसे सारा पार मैं ही चुकी है, बच्चों को मैं ही संभाल रही हूँ, बच्चों के सारे काम मैं अपना बता रही हूँ, है ना। तो मैं समझती थी ओ मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये मैं कैसे कर सकूंगी, नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि मेरे तो घर में काम इतने हैं, 8 लोग हैं हम, बच्चों के तो काम ही नहीं खत्म होते। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है खिदमत, मुझे नहीं पता कैसे कैसे काम जो है मेरे खुद ब खुद होना शुरू हो गए, बच्चे कर लेते हैं, जावेद भी काफी काम जो है वो खुद ऐसे कर लेते हैं, और घर के ऐसे बहुत सारे काम थे मैं एक जैसे कह लें जो मुझे बड़े मुश्किल लगते थे, क्या कहते हैं कि उनमें टाइम भी वेस्ट होता था मेरा, और तो वो खुदा ने मुझे नहीं पता कैसे खुद ब खुद ही कर दिए कि मेरा टाइम भी अब बच जाता है और मैं सारे काम घर के करती हूँ, सब कुछ ही करती हूँ, और ये खुदा ने जो मुझे काम करने के लिए कहा है ये भी मैं करती हूँ, और क्या कहते हैं कि कोई ऐसे बले बड़ी तरतीब से सब कुछ हो रहा है। तो आप भी ये करके देखें, खुदावन जो बाकी के काम है ना हमारे वो बड़े तरतीब से खुद ही खुद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम नहीं करते खुदावन का काम और ये सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, ये तो वो काम जो है और ज्यादा मैं कहूंगी कि हमारे ऊपर या बिखर जाते हैं जा बिगड़ जाते हैं कि हमें और ज्यादा लगता है कि शायद मैं तो इस इनमें बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं खुदावन के लिए अभी काम जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन ये मैंने अपने जैसे कह लो तजर्बे से सीखा है कि जब हम खुदावन का काम करना शुरू कर देते हैं तो बाकी के बिगड़े काम जो है अपने अपने जगह पे खुद ही होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो माँ बाप की सोचता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं अभी मैं नहीं इनको छोड़ के जा सकता, तो खुदावंद उनका इंतजाम जो है अजीब तरीके से मौजाना तरीके से वो कर देता है। इसलिए कभी भी किसी भी क्या कहते हैं वजह ना हम बनाए कि शायद मैं तो अभी ये कर रहा हूँ, है ना, तो ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इस घर को मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद खुदा हमारा जो है हमारे घरों को चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं, या हमारे बच्चों को वो संभाल रहे हैं, हमारे माँ बाप को वो संभाल रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये जो हम सोचते रहते हैं ना, मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं ही सारा पार चुके आए अपने कंधियां पे, ये जो है ये मैं जो है या हम जो है वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कौन कर रहा है, खुदावंद कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है, खुदावंद पाक रूह हमारे सारे जो काम है वो कर रहा है। तो इसलिए जब हमारे अंदर से इस तरह का जो रवैया है वो निकल जाएगा तो आप खुद इसको महसूस करेंगे कि खुदावंद आपके माँ बाप को संभाल सकता है, आपके बीवी बच्चों को संभाल सकता है, आप नहीं भी होंगे तो खुदावंद आपकी सारी जरूरतों को सारे कामों को करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है, उसको समझ है, उसके पास पूरा इख्तियार है, वो किसी को भी आपकी मदद के लिए जैसे कह लें वो खड़ा कर सकता है या वो खुद भी कर सकता है मौजाना तरीके से हमारे बच्चों को। लेकिन हम इन सारी वजूहात को कह लें कि अपने सामने रखते हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी लगते हैं। तो जब आप इन मुश्किलों से या इन बीवी शोहर से, बीवी से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, बच्चों से ज्यादा खुदावंद को अहमियत देना या खुदावंद को दर्जा देना शुरू कर देंगे तो आप खुद ये फील करेंगे कि हमारे सारे काम बड़े आराम से होना शुरू हो जाएंगे।
और खुदावंद का जो काम है जो भी, और मेरा ईमान है कि जितने भी यहाँ पे हम बैठे हैं सबके पास कोई ना कोई खिदमत जो है वो खुदावंद ने आपको कोई ना कोई तोड़ा जो है वो दिया हुआ है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, जैसे गीत गाने वाले हैं या जो दुआ करने वाले हैं या बाइबल रीडिंग करने वाले हैं, सबके पास कोई ना कोई ऐसा खिदमत जो है खुदा ने आपको दी है, तो वो आप जब करना शुरू हो जाएंगे, जैसे खुदावंद ने जैसे कुछ लोगों को कहा है कि वो रात को उठ उठ के जो है वो दुआ करें, तो आप जब उठना शुरू हो जाएंगे रात को 3 बजे जो उठते हैं दुआ करते हैं, तो आप खुद फील करेंगे कि बाकी के दिन में जो काम है वो ऐसे तरतीब से होना शुरू हो जाएंगे, या आपको रेस्ट के लिए टाइम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा कि आप दिन के टाइम थोड़े से जैसे जो रात को फर्ज करें थोड़ा नींद हमारी होती है तो दिन में टाइम मिल जाएगा। ये मैंने बड़े अपने तजर्बे से सीखा है, तो इसलिए जिनको खुदा ने दुआ का तोड़ा दिया है कि शफायत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जंगजू है हमारे ग्रुप में, तो वो जरूर रात को उठ के जो 3 बजे हम प्रेयर जो है वो करते हैं, या 3 बजे अगर नहीं उठते तो सुबह जो है ड्यूटी पे जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले जब आप सुबह उठते हैं तो यानी अपने सारे काम करने से पहले 5 बजे या 6 बजे जिस जो भी आपकी ड्यूटी के टाइमिंग है उस हिसाब से आप 1 घंटा पहले उठ के या आधा घंटा पहले उठ के आप दुआ को टाइम दें, तो आप खुद फील करेंगे कि बाकी के दिन के जो सारे काम है वो बड़ी तरतीब से होना शुरू हो जाएंगे। और अगर रात को उठते हैं तो मैंने अपने उससे सीखा है कि मुझे दिन में जरूर टाइम मिल जाता है कि मैं दिन में रेस्ट जो है वो कर लेती हूँ, काम मेरे सारे बड़ी तरतीब से हो जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद जो है वो जब हम बहाने बनाते हैं ना फिर खुदावंद मैं कहूंगी कि नहीं ऐसे हमारे लिए एक आसानियां जो है वो पैदा करता, लेकिन जब हम पेश कर देते हैं अपने बदन को तो खुदावंद जो है हमारी जिंदगी में बेतरतीबी खत्म होना शुरू हो जाती है, नापाकी गंदगी गलाजत जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और हमारी जिंदगी में एक तरतीब आ जाती है। सुबह से रात तक आप कि जो भी काम होंगे वो बड़ी तरतीब से होना शुरू हो जाएंगे। जिनके बच्चे हैं फर्ज करें तो किसी भी वजह से जी बीमार हैं या क्या कहते हैं वो तंग बड़ा करते हैं, रोते बहुत हैं या उनके काम ही नहीं खत्म होते, वो आप खुद फील करेंगे कि अगर रात को आपको उठ के प्रेयर करते हैं तो बच्चे खुद ब खुद उनकी तरतीब से आना शुरू हो जाएंगे, वो आपको उस तरह से तंग नहीं करेंगे, आपका काम बढ़ेगा नहीं, आपके काम मैं कहूंगी कि कम होना शुरू हो जाएंगे कि आपको खुदावन के लिए टाइम जो है वो मिल जाए। और मैंने ये बहुत सीखा है, मैं आपको सही बताऊं मैंने बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है कि मैं रात को भी जब ये जो मीटिंग का हमारा टाइम है ये असल में सुबह मेरा टाइम होता था दुआ करने का, कि मैं 2 घंटे 2.5 घंटे जो थे वो मैं एक तो रात को करती थी, एक सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते थे सारा काम करके तो ये वाला जो टाइम था वो मैं दुआ को दिया करती थी, तो वो वाला टाइम अब प्रेयर के लिए आ गया है, तो इसलिए अब जो है वो मैं शाम को या इस तरह वो तरतीब जो है वो एक जो मेरी पर्सनल होती है। तो आप भी देखना कि आप ये करके देखें जो रात को अगर आप खुदावंद उठाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ग्रुप में हैं उन्होंने शेयर किया कि खुदावंद मुझे रात को उठाता है 2 बजे 3 बजे, तो आप उसमें उठना शुरू हो जाएं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी जो घरों में आपकी जिंदगी में जो बेतरतीबी है या ऐसे काम है ऐसे जो है अभी तक वो सेट नहीं हुए, तरतीब से काम नहीं हो रहे, तो वो देखना आप कि वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे और खुदावंद जो है आपकी जिंदगी से क्या लें बड़े बड़े काम जो है जो वो लेना चाहता है, आपके बदन को जो वो इस्तेमाल करना चाहता है वो खुदावंद इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। तो अब जरूर जो पर्सनल दुआ है इसीलिए हमने ये जो कुर्बानगा की थी खुदावंद ने कह लें गाइड किया कि जब आप वहां बैठ के करेंगे जो आपकी वो पर्सनल दुआ है वो रात को आप चाहे वहां पे बैठ करते हैं या दिन को करते हैं
लेकिन आप जब ये करना शुरू हो जाएंगे तो आप देखना कि आपके बाकी के काम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बिगड़े काम जो है सवरना शुरू हो जाएंगे, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप अपने बदनों को सिर्फ पेश करें, ये जो कि खुदावंद का मसा उस वक्त आपके ऊपर आके ठहरता है जब हम पर्सनल, ये भी मीटिंग में भी ठीक है, चर्च जाते हैं जब आप लोग तब भी ठहरता है, लेकिन वो जो पर्सनल खुदा आपके साथ बैठ के बातें करता है वो वाला मसा जो है वो जुए तोड़ता है, वो वाला मसा आपके आपकी जिंदगी के और जो भी आपकी खिदमत है वो मसे जो है वो क्या सॉरी जुए जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जंजीरें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद इसको क्या कहें तजर्बे से मालूम करेंगे। तो आप जरूर जो कुर्बानगाह बनाई है उसके ऊपर जरूर टाइम देते हैं, रात की अगर आप 3 बजे जो उठते हैं वो अगर कर सकते हैं वहां पे बैठ के करें, या कोई ऐसी अगर नहीं प्रॉब्लम तो या फिर रात को 3 बजे जो उठते हैं बेड पे भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन आप उठें जरूर, टाइम जरूर दें, चाहे 5 मिनट से शुरू करें। मैं जो है वो 1-2 घंटे देती हूँ, आपको जितना भी खुदावंद कह लें फजल दे या खुदावंद की जितनी मर्जी है आपकी, लेकिन आप शुरू जरूर करें क्योंकि दिन थोड़े हैं, मुकाबला सख्त है, शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है हमें वो कमजोर करे, हमें वो खुदावंद से दूर करे, और हम उस तरह से पाकीजगी में उस तरह से तैयार ना हो, तो वो इधर उधर से घेर रहे हैं हमें, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि मैं इनको किसी भी तरीके से वहां जाने ना दूं, लेकिन आपने फतह हासिल करनी है और हमारा खुदावंद हमारे साथ है, वो फतह से बढ़कर गलबा जो है हमें बख्शेगा कि हम शैतान के इन सारी दुश्मन की फौजों पे फतह जो है वो हासिल कर सकते हैं, करेंगे, कर रहे हैं, है ना, ताकि हम उस जगह पे उस तख्त तक पहुंच सके जहाँ के हमारा खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है और हमें भी खुदावंद ने उसके लिए बुलाया है। इसलिए यहाँ पे जो ग्रोह हैं वो 2 किस्म के हैं, 7 के जो दुल्हन को तैयार कर रहे हैं खुदावंद के खादम, और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो ग्रुप जो है या वो ग्रोह जो है ये वो लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनकी पाकीज़गी इन्होंने किस तरह तैयार होना है ये हम सीख रहे हैं अभी, और भी हैं तो बाकी हम कल करेंगे। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फजल दे, हमारे ऊपर रहम करे खुदावंद कि हम इस तरह से तैयार हो सकें और दुश्मन पे उसकी फौजों पे उसकी सारी कुदरत पे फतह पा के उसको पांव तले कुचल के उस तख्त तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद तुम्हें आशीष देवे, बरकत देवे, हालेलुया। और कैसी लास्ट प्रे करते हैं, किसे दी कोई प्रे रिक्वेस्ट है कि Hallelujah, 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 Lord, praise the 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 Lord, Hallelujah, Lord, thank you Jesus, 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 Lord. Hallelujah, Lord, praise the 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 Lord, Hallelujah, Lord, thank you Jesus God, khudaavand teri taarif 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 Lord Jesus teri dhanwad khudaavand Lord Jesus teri dhanwad teri dhanwad 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 Lord Jesus Hallelujah, oh khudaavand Lord tu zinda khudaavand Lord Jesus teri dhanwad khudaavand teri taarif Lord Jesus Hallelujah, thank you Jesus, 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 Lord, Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Lord. Thank you, Jesus God. Te tarif khudavan, Lord. Oh, mere mahaan zinda khudavan, te tarif me khudavan, te tanwaad hove, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Shinde bore 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 siri bini kara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara hara la 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 shinde bore 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 siri bini kara bara 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 bara. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Khudavan tu sada mahaan zinda khuda. Lord Jesus, tera dhanwaad. Khudavan tera dhanwaad. Lord Jesus, har bitte hoye samay vaste. Lord Jesus, khudavan tera dhanwaad. Khudavan aaj de samay vaste. Lord Jesus, khudavan tu sanu apni hazuri ch lai ke aanda. Lord Jesus, tu sanu geet gaun da mauka ditta. Khudavan tu sanu bachan padhan da sunan da mauka. Lord Jesus, khudavan de dhanwaad. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Oh Lord Jesus, khudavan, Lord, assi apne aap nu khudavan de lahoo de na saaf karde ha. Lord Jesus, khudavan, Lord, assi apne sochan nu khudavan de dil dimag nu khudavan assi de lahoo na saaf karde ha. Lord Jesus, hallelujah. खुदावन असि जो भी गुनाह करते खुदावन जो असि बोल के खुदावन जो अखा दे ना देख के जो कान ना सुन के खुदावन लॉर्ड जीसस जो अपने दिल दिमाग च जो बुरे ख्याल लियांदे आ खुदावन लॉर्ड जीसस तू सानू माफ कर लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस असि अपने आप नू खुदावन दे लहू दे ना धो लैंदे आ लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू साडा महान जिंदा खुदा खुदावन लॉर्ड जीसस तू साडे वास्ते खुदावन अपना लहू बहा दित्ता ओ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदावन साड़ी गंदियां सोचा करके तेरे सिर ते कंडियां दा ताज रखा गया खुदावन तेरा धन्यवाद कर दे लॉर्ड जीसस खुदावन साड़े खुदावन बुरे कम्मां करके खुदावन तेरे हत्थां पैरां च गिल्ट हो गई लॉर्ड जीसस खुदावन धन्यवाद खुदावन लॉर्ड तेरे प्यार तेरी मोहब्बत वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद कर दे लॉर्ड हालेलुया और थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदावन साड़े गुनाहां करके खुदावन अपना पवित्र लहू बहा दिता लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद खुदावन हालेलुया और थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदावन तू हर वक्त मेहमा दे बड़ियाई दे जोग है खुदावन लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लॉर्ड प्रेज़ द 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 लॉर्ड Hallelujah, Lord, praise the Lord, Kuravan, teri tarif hove, Kuravan, tera dhanwaad hove, Lord Jesus, Kuravan, tu sada zinda khuda, Lord Jesus, hallelujah, oh Lord Jesus, assi apne aap nu Kuravan, is group nu Kuravan, Lord, har ik member nu Kuravan, Lord Jesus, te lahu chish paranne ha, Lord Jesus, Kuravan, tu zinda khuda, Kuravan, tu har ik nu sambhal ke rakho, Lord Jesus, hallelujah, oh yes, Lord Jesus, Kuravan, tu har ik nu jang ju banao, Lord Jesus, hallelujah, Kuravan, sanu har ik nu Kuravan, paak, dam, kuar di tarat, Kuravan, तैयार करो लॉर्ड जीसस खुदावन जो तू आवे दिलों तैयार करो लॉर्ड जीसस तेरी मर्जी तेरे हुक्म अपनी जिंदगी पूरा कर सकिए खुदावन लॉर्ड जीसस कदे भी खुदावन तेरे खुदावन किसी भी काम वास्ते खुदावन तेरी मर्जी पूरा करने वास्ते खुदावन पिछे ना हटिए खुदावन लॉर्ड असि हमेशा अपने आप नु तेरी हजूरी च हाजिर करिए लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस कोई भी शैतान या ताकत खुदावन सानू तेरे वल बदन तो रोक ना ਸਕਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵਨ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू साडा महान खुदा लॉर्ड जीसस ये शैतानियां ताकत रख लो साडे ते खुदावन खुदावन शैतानियां ताकत रख लो साडे ते कोई अधिकार नहीं है लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन असीं तेनू बिलोंग करदे आ खुदावन तू खुदावन साडा जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस हालेलुया तू साल हर वक्त महिमा ते बड़ाई दे जोग है लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन लॉर्ड जीसस बाकी दे देवते जो सिर्फ मूर्तियां आ जिन्हां दी जुबान पर बोल नहीं सकते जिन्हें कान पर सुन नहीं सकते पर तू साडा जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस साडी दुआवां सुनदा लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, Kuravan, tu aaj sadna jo vi kalam ch gal kiti, Kuravan, tera dhanwaad karde haan, Lord Jesus. Hallelujah. Kuravan, assi tere sare hukmaan de, Kuravan, Lord, chal sakiye, Lord Jesus. Tu sadi madad karni, Kuravan, sahayata karni, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Kudaman Lord, the Thadi for Lord Jesus, the Thanavada, Lord Jesus, hallelujah. Kudaman to Sada Mahans in the Kudan, Lord Jesus, the Thanavada, Kudaman. Kudaman, the Thanavada, Lord Jesus, the Thanavada, 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 Thanavada. Hallelujah, Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, God, Kudaman Lord. Khudaman Lord Jesus, Khudaman Asina Sadia, Khudaman Dwama, request no Kram, pray request no Kraban Tere, Charna Jalakion, Dea Khudaman Lord, Jovi Kram, pray request a Kitnia Khudaman Sister Amandi Punanu Kraban Tere, Charna Jalakion, Lord Jesus, Kraban Jateri Bachine Kraban, Tereki pray request a Kio Khudaman Lord, Kuna Jovi, Nare Goti, the Witch Kraban Jovi Darde Khudaman Lord. ਕਰਾਵਨ ਤੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੋ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸ਼ੂ ਹੋ ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਾਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾੜ ਦੇ ਕਰਾਵਨ ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਯੈਸ ਲੋ ਜੀਸਸ ਕਰਾਵਨ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਾਵਨ ਤੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਹੋ ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਯੈਸ ਲੋ ਜੀਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਨ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਵਨ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, 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 Lord Jesus. Kudavan, tu nu sambhal ke rakha, Lord Jesus, hallelujah. Kudavan, ne kar chukra, har ik de kudavan, dilan nu tu tiyar kar, kudavan, Lord, jo vi kudavan, tere naam nu nahi jaande, kudavan, oh bhi tere naam nu jaan sakna, Lord Jesus, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, teri tarif, teri tarif, teri tarif. Teri tarif hove, Lord Jesus, hallelujah, kudavan, Lord. Asi sister Samara nu. Sister Samara nu tere khudavan teri hazuri ch lai ke aune ha aur Lord Jesus khudavan jo nahi theek khudavan Lord Jesus teri bachi khudavan tonu shio Lord Jesus changa kar khudavan kyunki khudavan si tere maar khan de naal khudavan change ho chuke ha khudavan tere bachan ch likhe jithe dawaiyan kam nahi karde the dawaan kam kar rahi ho yes Lord Jesus khudavan tu sada doctor khudavan tu sada vaidar vaidar Lord Jesus hallelujah khudavan tonu bachi te changa kar Lord Jesus ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you, Jesus, Lord Kuravan. Merud and Samuel Lukuravan Tere Lauchishwadiya, Lord Jesus Kuravan. Lord Jesus Kuravan, Tu Nan Changa Kara, Lord Jesus, Jovi Nan Problem, Jovi Bimari, Kuravan, Chicken Pox, the Kuravan, Lord Jesus, the Yeshims in Archijandi Lage. Oh, yes, Lord Jesus Kuravan. Lord Jesus, Joshi Chala Kuravan Sariam, the Yeshims in Arch, Fail Kazania. Oh, yes, Lord Jesus Kuravan, Lord Jesus, Matere Hatami song. Lord Jesus, hallelujah. Yes, oh, yes, Lord Jesus. Tu inan sambhal ke rakh, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Tu inan changi sehat bakhsho, Lord Jesus. Tu inan spiritually aur ruhani taur te khudam bada, Lord Jesus, hallelujah. Yes, oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord Khudavan. ਖੁਦਾਵਨ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਜੰਗ ਚੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾ ਤੇ ਨਾ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਖੁਦਾਵਨ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਨਾਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵਨ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵਨ ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਵਨ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਤੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜਿਹਨੂੰ
तू चाहे खोल सकदा लॉजी जो दरवाजे तू खोलेगा उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता जिन्हों तू बंद करे खुदावन तू कोई खोल नहीं सकता ओ यस लॉर्ड जीसस शैतान के सारे खुले हुए दरवाजे नु खुदावन दे यीशु मसीह नाच बंद कर देने आ ओ यस खुदावन शैतान एक बंद किए हुए दरवाजे नु खुदावन दे यीशु मसीह नाच खोल देने आ ओ यस लॉर्ड जीसस तेरी तारीफ ओ लॉर्ड जीसस तेरी तारीफ खुदावन खुदावन तेरा धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावन खुदावन तू हर एक नु खुदावन लॉर्ड जीसस खुदावन प्यार मुहब्बत शांति दे आनंद ने ना भर दियो लॉर्ड जीसस खुदावन और लॉर्ड जीसस जिस तरह तेरा मसा खुदावन मूसा ते रहंदा सी खुदावन उस मसी च खुदावन थोड़ा मसा तू सानू भी दे लॉर्ड जीसस खुदावन तुहाडे मुख रा चाना साडे ते चमका लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद खुदावन तू साडा जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन तू साडा महान Lord Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord, Khudaban, Lord. Tehi tarif hove, Khudaban, tera tanwad hove, Lord Jesus. Tehi jai jai kar hove, Khudaban. Khudaban, asi jo kush mangya, Khudaban, paalya, Lord Jesus. Oh, bhai, samenu, Khudaban, tere hathaan bhi sop din deya, Khudaban. Tere piyare de pavita naach mang len deya. Amen. Amen. Praise Lord. अब हमारे खुदा का फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता आमीन 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 हालेलुया जी प्रेज़ गॉड खुदा उनकी हजूरी हमारे ऊपर ठहरी हुई है और खुदा उनका मैंने जिस तरह सोनिया बोल रही थी तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे जलाल का जो दरवाजा है ऐसे ग्लोरी खुदा की जो है एक दरवाजा खुला है वो हमारे ऊपर वो रोशनी जैसी जो है वो आना शुरू हो गई है उंडेल रहा है खुदा खुदा तो इसलिए खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जिस किसी के लिए भी दुआ नहीं भी हुई खुदावंद ने उसको टच किया है और खुदावंद ने जो भी आपकी बीमारी है या परेशानी है कहीं पे भी खुदा ने आपको शिफा दी है तो अगर आपने भी खुदा के टच को महसूस किया है तसल्ली मिली है दुआ में तो आप शेयर कर सकते हैं चलें ठीक है जी फिर लेकिन खुदावन ने आपको छुआ है खुदावन ने आपको कहीं पे भी कोई थी प्रॉब्लम तो खुदावन ने आपको ठीक किया है ओके जी गॉड ब्लेस यू गुड नाइट से सारे नाम